हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ वैशाली और आज हम करने वाले हैं IBMTS 23 मार्च को हुआ जो पेपर 2023 में हुआ था, यानी कि इसी साल हुआ था ये पेपर, लेकिन ये जो है इससे प्रीवियस था। अभी जो होने वाला है उसके लिए आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल तो रहेगा ही, और इससे आपको ये भी पता चलेगा कि आपको किस लेवल की तैयारी करनी है, किस लेवल का पेपर आता है। और इससे पहले हम शिफ्ट वन कर चुके हैं तो ये हमारी होने वाली है शिफ्ट टू। तो ये आपके मैं इंग्लिश के सेट सॉल्व करवा रही हूँ, इसमें हमारा एक लेक्चर हो चुका है ऑलरेडी, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो जाकर देखें पहले, फिर उसके बाद ये देखें, या फिर आप ये वाला पहले देख सकते हैं फिर बाद में वो देख लें। तो आपको इससे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपके एग्ज़ाम को समझने के लिए कि आपका एग्ज़ाम किस बेस पे आना है, किस लेवल के क्वेश्चन आने हैं, किस टाइप की वोकैब आनी है, क्लोज टेस्ट आना है कि नहीं, PQRS जैसे हम पैराजम्बल बोलते हैं वो आना है कि नहीं। तो आपको पेपर करना मस्त है, प्रीवियस ईयर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करने से कुछ नहीं होगा जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं की। प्रैक्टिस इज मस्ट फॉर योर सिलेक्शन। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए, जो भी मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगी ना वो सारे ही एग्ज़ाम के होंगे, और हम एग्ज़ाम के सारे ही क्वेश्चन कवर करेंगे, और इसमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच रखूंगी कि आपको एग्ज़ाम में किस टाइप से सोचना है और आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए। जैसे कि हम मैथ सॉल्व करते हैं तो मैथ सॉल्व करते टाइम हमारा माइंडसेट अलग होता है, और रीजनिंग करते टाइम अलग होता है, ऐसे ही हमारा इंग्लिश करते टाइम माइंडसेट अलग होना चाहिए, यानी कि पीस काम इस टाइप से, है ना। तो उस टाइप से मैं बताऊँगी कि आपको कैसे सोचना है, किस क्वेश्चन को कितनी जल्दी करना है। अगर कोई अच्छा क्वेश्चन होगा तो हम उस पर टाइम देंगे, वरना हम फटाफट फटाफट करते जाएंगे, क्योंकि आपका टाइम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो हम इसको जल्दी करेंगे, है ना। और आपको अगर फ्री PDF चाहिए हो तो हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं, और ये आपकी हेल्पफुल रहेगी SSC CGL CHSL MTS CPO, क्योंकि SSC जैसा ही एग्ज़ाम आता है, इसका भी ज़्यादा कुछ अलग नहीं है सिलेबस में। और टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं आप। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बिग नेम प्लेट ब्लैंक इज फ्रंट डोर वॉज इन हिंदी एंड इंग्लिश। इसमें पूछा है मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन बतानी है आपको, और जब मैंने एक वीडियो आपके लिए ये भी बताई है मैंने बना के कि आपको प्रिपरेशन किस टाइप से करनी है, कौन से टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल है, वो अगर आपने नहीं देखी है तो उसको जाके ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आपको ये एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो वो बहुत ही ज़्यादा मस्त है आपके लिए, उससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि मैंने उसमें ये भी बताया था कि इंग्लिश में आपको क्या क्या चाहिए, प्रीपोजिशन सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए, तो जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं वो मैंने उसमें बताए हैं। तो आप पहले इम्पॉर्टेंट चैप्टर करें, फिर उसके बाद जो कम इम्पॉर्टेंट है वो करें। देखिए, ये वाला क्वेश्चन क्या है, द बिग नेम प्लेट इज फ्रंट डोर। देखिए, इसमें क्या आएगा, जो नेम प्लेट होती है हमारे गेट के बाहर जो लगाई जाती है, आपके घर के यहाँ भी लगी होगी, तो वो फ्रंट डोर के कहाँ पे लगाई जाती है, ऊपर लगाई जाती है, साइड में लगाई जाती है, कहाँ पे लगाई जाती है, उस साइड में ही लगाई जाती है, जैसे ये डोर है, फ्रंट डोर है, यहाँ पे पास में नेम प्लेट लगाई जाती है। तो देखिए, बियॉन्ड क्या होता है, ऊपर परे, जैसे बियॉन्ड माय माइंड, मेरे माइंड से ऊपर जा रहा है, तो ये बिल्कुल गलत होगा। थ्रू यानी से होकर, जैसे कोई टनल है उससे होके अपन गुजरते हैं, थ्रू उसके लिए यूज होता है, थ्रू भी नहीं आएगा। अहेड, अहेड यानी होता है आगे, अहेड भी नहीं आएगा, तो हमारा बच्चा क्या ऑप्शन, फर्स्ट। तो आप ये वाली ट्रिक जो है ये आप एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हो कि आपके जो गलत हैं उन्हें हटा दीजिए, तो जो बचेगा वो आपका सही आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए, इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, ये आपके आपको हद तक है कि एक क्वेश्चन आपको इस टाइप का मिलेगा, क्योंकि हर साइड पर मैंने देखा है तो इस टाइप का एक एक क्वेश्चन दिया ही है उन्होंने कि आपका ये इनमें से कौन सा सही है, जो उन्होंने सेंटेंस बनाया उनमें से कौन सा सही है, जो मीनिंगफुल दे रहा है अपन को रिजल्ट। तो ये आपकी आएगी किस चीज़ से, या अगर जिसकी रीडिंग स्किल सही होगी ना, जिसकी रीडिंग हैबिट होगी, वो इसको सही कर ले जाएगा। जैसे कि पहले तो आपको एक एक बार करके देखना पड़ेगा, पढ़ के
क्या किसके बारे में बोल रहा है। जैसे हमें हर सेंटेंस में ये दिख रहा है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो हम पहले क्या बताते हैं, जैसे हम किसी के बारे में पहले इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम ये बताते हैं ये कब स्टार्ट हुआ। तो देखिए जैसे कि ये स्टार्ट हुआ इन द ईयर 1945, द सक्सेस ऑफ लीग, नहीं ये हमें ये हुआ क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ये लास्ट में लिखा है तो ये यहाँ नहीं आएगा, सब्जेक्ट कहाँ गया। ठीक है देखिए इसमें है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इन द ईयर 1945, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कम इन टू बिगिन एज द सक्सेसर, तो ये यहाँ पे सब्जेक्ट बन रहा है और ये सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। ऐसे ही आपको थोड़ा दिमाग लगा के शांति से करना है तो आपका आंसर भी आ जाएगा एकदम। ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये, देखिए पंचुएशन भी आती है आपके एग्जाम में तो आप इसको भी थोड़ा बहुत पढ़ के जाना। ठीक है, बाय द टाइम बी गॉट इन साइट ब्लैंक द टू मैन हैड वैनिश्ड, वैनिश यानी क्या होता है, गायब हो जाना। जैसे कि आपने एक वो नहीं देखा होगा डिटर्जेंट आता है वैनिश, वैनिश मीन्स तो दाग को गायब कर दे, तो ऐसा आप याद कर सकते हैं कि वैनिश का मतलब होता है गायब करना। तो ये बोल रहे हैं कि जब तक हम अंदर जाएंगे तब तक वो दोनों आदमी गायब हो चुके होंगे, जब तक हम अंदर जाएंगे थोड़ा सा ठहरना है ना, यहाँ पर थोड़ा ठहरावा आ रहा है, फिर वो दोनों आदमी गायब हो चुके होंगे, यहाँ पे हमारा कोमा आएगा, ये यहाँ पे कोमा आएगा। अगर हमारे दो सेंटेंस के बीच में कहीं भी ठहराव होता है तो ये कोमा आता है, तो ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क जैसी कोई बात नहीं है, फुल स्टॉप भी नहीं है, ये वाला तो लगेगा ही नहीं क्योंकि इसके लिए तो ये वाला भी चाहिए तभी ये लग सकता है, तो ये वाला नहीं लगेगा। ओके हमारा आंसर हो गया ये वाला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, इसमें क्या बताना है आपको, आइडेंटिफाई द बर्ड हैज दैट बी इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना है पूरे सेंटेंस का। ना वी वर नाउ इन द सिटी गोइंग स्लोअर इन द ट्रैफिक व्हेन जहान सडनली लीन्ड फॉरवर्ड एंड आस्क द ड्राइवर टू स्टॉप। देखिए ये एक सिचुएशन बता रहा है कि आप कहीं जा रहे हैं और वहाँ पर ट्रैफिक लगा है, तो जो जहान है ना वो सडनली लीन्ड, मतलब लीन्ड यानी क्या होता है, फिसलना, स्लोप कर जाना है ना, और लीन्ड की स्पेलिंग क्या होती है, देखिए ट्रैफिक की सडनली की स्पेलिंग सही, फॉरवर्ड की सही है, ट्रैफिक की भी सही है, लीन्ड की ही गलत है, यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है। और ठीक है लीन की स्पेलिंग होती है LEAN, लीन मीन्स क्या होता है, स्लोपिंग, पोजीशन। ओके तो ये इस लीन की बात हुई है ना कि ये, क्योंकि ये डबल ई वाला तो कुछ होता ही। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ये भी पंक्चुएशन का है। देखिए आपने देखा ना दो क्वेश्चन आ गए पंक्चुएशन पे, मतलब पंक्चुएशन आपका इम्पोर्टेंट है और आपको ये इसको लिख के जाना है अच्छे से, तो आप लिखते भी जा सकते हैं कि आपको हाँ ये चैप्टर हमारा हो गया है, ये नहीं हुआ है, इसके क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहे हैं, तो इस टाइप से आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो, और आप इससे पहले वाली भी देख सकते हैं। इसमें देखिए भबई नहीं बहाई टेम्पल इज नोन फॉर इट लोटस शेप स्ट्रक्चर एंड क्विक एम्बियंस, जो भवई टेम्पल है उसके लोटस शेप की वजह से बहुत ही ज़्यादा, देखिए ये लोटस होता है इस टाइप के शेप का, आपने एक टेम्पल देखा होगा, अगर आपको ये पता होगा तो ये भवई एक टेम्पल है और इसको अपन ऐसा लिखते हैं, अगर आप नेट पे भी सर्च करेंगे ना तो आपको इस टाइप का ही मिलेगा, अपने आप ऑटो सर्च में आ जाएगा वो ऐसा, तो भाई जो है वो इस टाइप का लिखा जाता है ना कि, अगर ये तो आपको अगर पता होगा तो ही आप कर पाओगे नहीं तो नहीं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, आई गॉट अप एंड वंडर्ड आउट टू द बैल्कनी एंड ब्लैंक स्टेयर एट द रिवर, स्टेयर यानी क्या होता है, देखना या घूरना भी कह सकते हैं। ठीक है अब हमें यहाँ पे टेंस की नॉलेज होनी चाहिए, टेंस जैसे कि हैड स्टेयर्ड, स्टेयर्ड वॉज स्टेयर्ड या स्टेयरिंग क्या आएगा। देखिए आई गॉट अप, गॉट अप क्या है, ये पास्ट है तो यहाँ पे भी पास्ट ही आएगा, यहाँ पे भी पास्ट आना चाहिए, तो
यहाँ पे आएगा पास्ट इनडेफिनेट यानी कि स्टेयर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपका पूछा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब आपको ये पता होना चाहिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे अंडरलाइन होनी थी लेकिन नहीं हो पाई है, बट यहाँ पे अंडरलाइन आई थी। ओके, देखिए, न्यूमरस लॉस वर पास्ड ड्यूरिंग हिज टर्म फॉर रिकवरिंग स्लेव्स हु हैड टर्न इनटू पीपल हु रन अवे फ्रॉम जस्टिस। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या करना है हमें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आंसर बताना है। ओके, हु रन अवे फ्रॉम जस्टिस, रन अवे फ्रॉम जस्टिस यानी कि जो भागता है उसे क्या कहते हैं हम, फ्यूगेटिव यानी भगोड़ा। ये वाला इसका आंसर सही हो जाएगा, बैगाबाउंड और ये सब नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए ये हमारा है PQRS, इससे पहले वाला जो सेट था शायद उसमें नहीं आया था बट इसमें है। देखिए एक बार आपको, देखिए जो PQRS होता है इसको सॉल्व करने की अपनी एक अप्रोच होती है। पहले आपको, सबसे पहले अगर आपको रीड करना है केयरफुली, फिर आपको इसको लिंक ढूंढना है कि किसमें लिंक बन रहा है, ए बी में लिंक बन रहा है या सी में लिंक बन रहा है या फिर स्टार्टिंग किस से हो रही है, सेट आपको सॉल्व करना होता है। एज देयर वर Very few people around, B had to hang pretty far back so that Robin would not spot us. After the noise and bustle of main road, it was suddenly very quiet. Then the lane took a curve to the right when we turned in. He had vanished. देखिए, he had vanished. कौन गायब हो गया? ये ही किसके लिए है? इससे पहले कोई उसका नाम आया होगा, ठीक है? The sun had vanished behind clouds and the lane was rather dark. देखिए जो ही है ये किसी इंसान के लिए आया होगा, तो इससे पहले कोई भी एक इंसान आया होगा। देखिए ये यहाँ पे दिया है रॉबिन, मतलब जो ही है वो रॉबिन के लिए आया है, यानी कि सी से पहले तो ए आना है, इससे पहले ए आना है, यानी कि ए सी का लिंक बन गया है हमारा, ठीक है। अब आप इसमें चेक कर सकते हैं और ए और सी कहाँ दिया है लिंक, ए और सी साथ में है नहीं है, ए और सी साथ में है नहीं है, इसमें है इसमें नहीं है, तो हमारा आंसर 3 हो गया। तो इसमें आपको दिमाग ही नहीं लगाना, तो इस टाइप से आपकी कुछ ट्रिक्स होती हैं जो आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए इसमें हमारा आर्टिकल, अप्रोप्रिएट आर्टिकल लगाना है। डिड यू नो रुतफ़कर फ्लंक हाफ ऑफ ब्लैंक क्लास 12 ड्यूरिंग द प्रैक्टिस बोर्ड टेस्ट। देखिए इसमें कौन सा आर्टिकल आना चाहिए आपको ये बताना है, अगर आपने आर्टिकल पढ़ा होगा तो आपको ये जल्दी से आ जाएगा, अगर आपको आर्टिकल्स के कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आपको ये थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है यहाँ पे। देखिए नॉर्मली किसी स्पेशल क्लास की नहीं दी है, तो क्लास 12 का बोला है, तो इसमें कोई भी आर्टिकल की नीड नहीं है, नॉर्मल बात है, इसमें कोई आर्टिकल की नीड ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वुड यू माइंड ड्राइविंग ब्लैंक एज आई हैव मोशन सिकनेस। देखिए वुड यू माइंड ड्राइविंग, देखिए जो ड्राइविंग है उसके लिए हमें जो ये ड्राइविंग है वो क्या है, हमारी वर्ब है, और वर्ब को जो क्वालिफाई करनी चाहिए है वो होती है हमारी एडवर्ब। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पर, एडवर्ब की नीड है हमें। स्लोइंग कोई सेंस ही नहीं बन रहा, स्लोइंगली तो कुछ होता ही नहीं, स्लो एस ये भी नहीं चाहिए, स्लोली हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या आंसर है। देखिए आप थोड़ा ट्राई कीजिए कि आपको भी आ जाए इसके आंसर, फिर मैं तो बताऊंगी ये आपको। देखिए इसमें क्या होना है, इसमें भी अंडरलाइन वर्ड है लेकिन ये थोड़ा हम कर नहीं पाए। देखिए कम्प्लीसमेंट जहाँ, सिस्टर रोजा सेड कूली आई होप दैट डजंट मीन
यू बिकम कॉम्प्लेसेंट जहान। इसमें आपको कॉम्प्लेसेंट का सब्स्टिट्यूट बताना है कि इनमें से कॉम्प्लेसेंट का सब्स्टिट्यूट क्या हम और रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कॉम्प्लेसेंट मीन्स क्या होता है, जो बहुत ही ज्यादा मतलब भावुक सा, बेचारा सा, भावुक सा, जो कि बहुत ही ज्यादा जिद्दी और जिसको किसी चीज में इंटरेस्ट ना हो, शायद कम बंदा जो होता है वो आंसर हो जाएगा हमारा अनइंटरेस्टेड। ये आप तभी कर सकते हो जब आपको कॉम्प्लेसेंट का मतलब पता हो। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12 क्या है, इसमें भी अंडरलाइनिंग नहीं हो पाई है, देखिए मैं कर देती हूँ इसमें। अ वारंट, ये जो अ वारंट है इसमें अंडरलाइनिंग थी। ओके, देखिए इन दिस इट इज देयर एविडेंस दैट अलाउड मी टू गेट अ वारंट टू सर्च हिज हाउस एंड वी फाउंड ड्रॉअर्स फुल ऑफ स्टोन एंटिक, फुल ऑफ एंटिक स्टोन मिले हैं वहाँ पे। ठीक है, जो वारंट है इसके लिए आप सब्स्टिट्यूट क्या लगा सकते हो, जैसे कि अरेस्ट वारंट आपने मूवीज में सुना होगा कि हमें आप अरेस्ट वारंट मिला है, आपको अरेस्ट करने के लिए ऐसे वारंट लेना पड़ता है किसी के हाउस में सर्चिंग करने के लिए पुलिस वालों को। तो ये नीड, जरूरत तो कुछ नहीं होगा, डिनाइल भी कुछ नहीं होगा, इंजंक्शन भी कुछ नहीं हो सकता, ऑथराइजेशन मतलब ऑथोराइजेशन यानी कि आपको परमिशन मिली है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। मोना अपील अवेज ऑलवेज सीम्स टू ब्लैंक ऑफ द अथॉरिटी सो शी फाइनली लेफ्ट द जॉब। इसमें हमें ईडियम बताना है, ये आपको चार ईडियम दिए हैं, इनमें से आपको देखना है कि यहाँ पे सुइटेबल ईडियम कौन सा हो सकता है। देखिए मोना जो है वो हमेशा अपील करती है अथॉरिटी से, पर शी फाइनली लेफ्ट द जॉब मतलब उसकी बात सुनी नहीं होगी इसीलिए वो लेफ्ट द जॉब, मतलब उसने जॉब छोड़ दी। तो मतलब फॉल ऑन द डीफ ईयर, मतलब सुन के भी अनसुना करना, ये आएगा यहाँ पे, क्योंकि अथॉरिटी उसकी जो वो कहती थी उसको सुन के भी अनसुना कर देती थी, इसलिए वो चली गई जॉब छोड़ के। तो फोर्थ वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें हमें बताना है एंटोनिम ऑफ हीनियस। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, एंटोनिम ऑफ हीनियस, हीनियस का एंटोनिम बताना है। अगर आपको हीनियस का पता होगा ना मीनिंग, तो आप जल्दी से बता दो कि हीनियस का मतलब ये होता है, इसका एंटोनिम होता है। एंटोनिम की खास बात यही है कि आपको दो वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, इसीलिए वो आजकल एंटोनिम ज़्यादा पूछता है। ठीक है, हीनियस का मीन्स होता है घटिया, बहुत ज़्यादा हीनियस, घिनौना इंसान, हीनियस, घटिया, ऐसे वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं किसी इंसान के लिए, बहुत ही ज़्यादा घटिया इंसान है ये, घिनौना है, तो हीनियस है ना, हीन भावना का इंसान हीनियस, हीन भावना का इंसान हीनियस, ऐसे आप याद कर सकते हैं, यानी कि घटिया। तो इसको हम एंटोनिम होगा ग्लोरियस, यानी बहुत ही ज़्यादा ग्लोरियस इंसान। नेक्स्ट देखिए में क्या हमें देखना है, इसमें भी हमें ईडियम ही बताना है कि अवॉइड अवॉइड टॉकिंग का मतलब क्या हो जाएगा। व्हेन आस्क्ड व्हाई ही हैड लाइड द स्टूडेंट अवॉइड टॉकिंग नरेटिंग द इवेंट ऑफ द डे, अवॉइड टॉकिंग का इनमें से क्या होगा। देखिए कि आपने पढ़ा तो होगा बीट बिहाइंड द बस, बीट अराउंड द बस, बीट इन द बस, बीट आउट द बस। ठीक, इसमें से आपको ये देखना है कि सही वाला जो ईडियम है वो कौन सा है। आपका सही वाला सेकंड ऑप्शन है बीट अराउंड द बश, बीट अराउंड द बश, आप यहाँ मारा, यहाँ मारा, यहाँ मारा, इस टाइप से आप याद कर सकते हैं। बीट अराउंड द बश यानी कि घुमा फिरा के बात करना, अवॉइड करना किसी को, कोई कुछ कह रहा है तो अराउंड आएगा, है ना, आपको ये याद रखना है। आजकल ये बहुत एग्जाम्स में आता है, इसमें आपको करेक्ट स्पेल्ट बताना है कि सही स्पेलिंग कौन सी है इसमें से। Deceiving, guarded, embarrassed, लाइसन, इसमें आपकी सही स्पेलिंग ये है लाइसन। इसमें इस लाइसन का मतलब क्या होता है, कॉन्टैक्ट में रहना, संपर्क में रहना जिसको बोलते हैं, तो लाइसन का मीन कॉन्टैक्ट में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्टिकल फिल अप करना है आपको फिर से। आई हैव बीन लुकिंग फॉर हिज फॉर दिस फाइल ऑल ओवर ब्लैंक प्लेस एंड यू हैड इट हिडन अवे इन योर कपबोर्ड ऑल द टाइम। देखिए अब इसमें आपको फिर से बताना है, तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन से, आपको ध्यान किस पे देना है। मेन चीज देखिए आर्टिकल हुआ, इस पे आपको ध्यान देना है। फिर पोजीशन हुआ, इस पे आपको ध्यान देना है। तो आपके कुछ टॉपिक्स हैं, पंचुएशन हुआ, इन पे आपको ध्यान देना है। तो कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पहला आपको इनको कंप्लीट करना होगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ना होगा। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखना, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है वो। तो देखिए अब हम ये वाला करते हैं। तो कोई भी एक पर्टिकुलर प्लेस की बात हो रही है कि वहाँ पे हिडन थी आपकी फाइल जो थी, आप पूरे में ढूंढ रहे थे, तो कौन सी पर्टिकुलर प्लेस की बात हो रही है। तो हमारी जो पर्टिकुलर चीज़ होती है उसके लिए हम दाई यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 20th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्योंकि जो IBMTS होता है इसमें इंग्लिश के 20 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें हमें appropriate antonym पूछा है, select the fill in the blanks में whispering। देखिए whispering की मीनिंग क्या होता है, जैसे खुशफुसाना कान में खुशफुसाते नहीं है वो होता है whispering। The constables come running out, waving their big stick. The when the museum guard following close behind, blank whispers away। देखिए whispers का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, फिर आपको antonym तो अपने आप पता चल जाएगा। खुशफुसाना मतलब धीरे धीरे बोलना, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जोर जोर से चिल्लाना। क्राइंग यानी तो रोना होता है, बीटिंग भी नहीं होगा, मर्मरिंग नहीं होता। येलिंग, येलिंग मीन्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा चिल्लाना, चीख चीख के पुकारना सबको, येलिंग होता है ना। तो आपका ये हो गया है 5th, 2nd ख़त्म। अब नेक्स्ट हम इसके आगे वाली शिफ्ट का क्वेश्चन सेट करेंगे। देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि इसी पे आपको GK मैथ्स की वीडियोस भी मिल जाएंगी और आपके लिए हेल्पफुल भी रहेंगी। और आप देखना चाहें तो जो मैंने करवाई है नाउन एरर और प्रोनाउन एरर के क्वेश्चंस हैं, जिससे आपके नाउन और प्रोनाउन के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे अगर आपने ये वीडियोस देखनी तो, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हो। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मुझे पता है कि आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी रहेगी। थैंक यू।